और आमदन से जायद असासाजात केस में खुर्शीद शाह के बेटे अपनी जमानत कराने में कामयाब हो गए, जबकि खुर्शीद शाह की जमानत पर नैब से जवाब तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने आमदन से जायद असासाजात केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक कायद हिज्ब इख्तलाफ खुर्शीद शाह और उनके बेटे फरूख शाह की दरखास्त जमानत पर समाप्त की। अदालत उज़्मा ने फरूख शाह की जमानत 20 लाख रुपए के एवज मंजूर की, जबकि खुर्शीद शाह की जमानत की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में नैब को हिदायत की कि अदालती अहकामात के बगैर फरूख शाह को गिरफ्तार ना किया जाए। बाद में अदालत उज़्मा ने समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी है। खुर्शीद शाह और उनके बेटे फरूख शाह के खिलाफ नैब कोर्ट सखर में रेफरेंस देने समाअत है। हाई कोर्ट सखर बेंच पहले ही खुर्शीद शाह और फरूख शाह की जमानत मुस्तरद कर चुकी थी।